दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज जो है यहाँ पे हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 23 की, आप लोग कैसे तैयारी करें। फिलहाल जो है बोर्ड एग्जाम 22 का पूरा सफर कंप्लीट हो चुका है, अब जो है सफर आती है, शुरुआत होती है बोर्ड एग्जाम 23 के लिए। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम 23 का तैयारी कब से स्टार्ट करें, कैसे करें, कहाँ से करें, ये सारा डाउट आप लोग के मन में था। आज जो है ये जो डाउट है ना आपका, ये डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर सके, और साथ ही साथ आपके लिए एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा ऑफर, साथ ही साथ आपको तैयारी करने का तरीका, ये सारा चीज़ लेके आया है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, अगर आप बोर्ड एग्जाम 23 में अपना एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके लिए हम क्या क्या लेके आए हैं, वो सारा चीज़ आपको अच्छे से हम बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में। हमारा जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन बाबा ऐप, पिछले साल बोर्ड एग्जाम 22 में इतने सारे बच्चों ने पढ़ के इतना अच्छा अपना एग्जाम में परफॉर्मेंस दिया है। अभी तो फिलहाल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कॉल आया, मैसेज आया कि हाँ एग्जाम अच्छा गया। ऑब्वियसली रिजल्ट तो आएगा ही, हर साल रिजल्ट आता है, तो इस साल तो और भी ज़्यादा अच्छा आना है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग का भी जब रिजल्ट आए बोर्ड एग्जाम 23 में, जब आप लोग एग्जाम दें और उस समय भी जो रिजल्ट आए वो 22 से भी और अच्छा हो, तो इसके लिए हम लोग जो है प्रॉपर पूरा टीम एजुकेशन बाबा का इस साल आ रहे हैं सामने, और सारे टीचर्स सामने आके आपको पढ़ाएंगे बोर्ड पे, तो और भी एक बेस्ट आपकी तैयारी होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारा जो एजुकेशन बाबा ऐप है, इसमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस एक्टिव स्टूडेंट हैं जो कि अपना अपना क्लासेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे पेड हैं, कुछ बच्चे फ्री में वहाँ पे क्लासेस करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे जो है हम लोग दे रहे हैं क्या चीज़ बेस्ट, आपको फीचर दे रहे हैं किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, एक बेस्ट फीचर दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं अपना बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं और भी सारे चीज़ों के बारे में। देखिए एजुकेशन बाबा ऐप पे ना आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा फ्री में, जैसे यहाँ पे आपको फ्री में क्यूज़ दे सकते हैं हर एक चैप्टर का। मान लीजिए आप अपना कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है तो आप उसका टेस्ट दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्री में, तो ये है। उसके बाद टेस्ट आपका यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम 22 में एग्जाम हुआ है उसका जो पेपर है उसके सॉल्यूशन के साथ में अपलोड किया गया, फिर 21 का, 19 का, 20 का, ऐसे करके 18 का, 17 का, इन सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे करवाया गया है। चैप्टर वाइज MCQ है, तो ये सारा चीज़ जो हम लोग दे रहे हैं एजुकेशन बाबा ऐप पे, आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके ये सारा चीज़ देख सकते हैं। अब आपके लिए क्या खास है बोर्ड एग्जाम 23 के लिए वो बात करते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि आप जो है ऑनलाइन क्लास करें या फिर ऑफलाइन क्लास। तो देखो अभी जो है फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि अभी आप ऑनलाइन क्लास को प्रेफर करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो पिछले साल भी सब कुछ बीच में सही हो गया था और लास्ट टाइम पे कोविड वगैरह का डर ये थोड़ा बहुत आया था, और ये चीज़ आप लोग के साथ भी मे भी हो सकती है, तो इसलिए अभी ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि मतलब जो क्लासेस आपका छूट गया, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास आप गए और वहाँ पे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है या फिर किसी का शादी ब्याह है या फिर कोई कारण बस आप नहीं जा पाए क्लास को, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि ये ऑप्शन रहता है कि आप कभी क्लास आप छोड़ रहे तो उसको बाद में अच्छे से देख सकते हैं। वही ऑफलाइन क्लासेस में टीचर आपको दोबारा नहीं वो चीज़ बता सकते हैं, तो ये चीज़ सबसे बड़ा एक दिक्कत होती है जो कि ऑनलाइन क्लास में ये सॉल्व हो चुकी है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ पे देखिए एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बिहार बोर्ड। ऑब्वियसली वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम बिहार बोर्ड का पढ़ाना स्टार्ट किए थे, एजुकेशन बाबा चैनल जब ओपन हुआ था उस समय बिहार बोर्ड में लगभग कोई चैनल, जितना अभी तक हमारे पास नॉलेज है, जितना अभी तक हम देखे हैं, कोई भी चैनल जो है बिहार बोर्ड के क्लास 12 का तैयारी के लिए कोई चैनल नहीं था। सबसे पहला हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लास बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, CBSE वगैरह के लिए बहुत सारा चैनल था, बहुत सारे जगह पे क्लासेस चलती थी, लेकिन स्टेट बोर्ड पे कोई भी जगह कोई भी फोकस नहीं कर रहे थे। बस हमने स्टार्ट किया बिहार बोर्ड को पढ़ाना, और जो सफ़र रहा ना वो बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे जुड़े हमसे और आज जो है इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। तो इस सब के लिए जितने भी बच्चे जुड़े थे, जितने भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं नए नए, सबका स्वागत है।
आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। और यहाँ पे जो है ना, ये आज तो बहुत सारे चैनल आ गए, आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने, लेकिन वही होती है कि सब कोई जो है उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं दे पाएंगे। और बेसिकली बात रही, सब कोई का हम छोड़ते हैं, बेसिकली अपने से मतलब रखते हैं। बेसिकली क्या है कि हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, अब जो है ये ठान लिए हैं कि आप लोग को एक बेस्ट आपको कोर्सेज देने वाले हैं, बेस्ट आपको लेक्चर्स मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अगर ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तब भी आपको 1% का भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील अब यहाँ पे ऑनलाइन में होने वाली है, और इसके लिए बहुत सारा चीज़ हम आपको बताएंगे आगे। और देखिए, ये तो बना दिया हम लोग को बिहार बोर्ड का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि हम लोग ने बहुत शुरू से स्टार्ट किया था, और आज जो है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे स्टूडेंट का प्यार सपोर्ट के माध्यम से आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाए हैं आप लोग। आगे यहाँ पे है हमारे पास बिहार के सबसे सबसे शिक्षक हैं, बिल्कुल हमारे पास एजुकेशन प्लेटफॉर्म के पास वही सारे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन बाबा ऐप पे पढ़ा रहे हैं या फिर एजुकेशन बाबा चैनल पे पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स ऑलरेडी जो है ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा उनका कोचिंग क्लासेस चल रहा है, तभी जाके वो यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। मतलब आपको बेस्ट क्लासेस भी एक तरीके से मिलने वाली है, बिहार के सबसे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हमने दिया है बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट, सबसे ज़्यादा रिजल्ट लिखने के लिए लिखे हैं नहीं, ऑब्वियसली नहीं लिखे हैं, जो यहाँ पे एक्चुअल है वो चीज़ हम लिखे हैं। आपको आगे हम प्रूफ के साथ देने वाले हैं, रिजल्ट वगैरह जो हमारे तरफ से आई है, हमारे द्वारा बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हैं उनका जो रिजल्ट रहा है वो चीज़ हम आपको आगे दिखाने वाले हैं सब लोगों का। उसके बाद यहाँ पे है सबसे कम फी में हमने दिया है सबसे अच्छी पढ़ाई, बिल्कुल आपकी जो फी है ना ये सबसे कम है, बिल्कुल सबसे कम है। अभी तक जो है जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं उन सब में आपको एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा पढ़ाई सबसे कम कीमत पे मिलेगी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम पे। आप एजुकेशन वाला ऐप डाउनलोड करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, उसके बाद हम लोग जो है एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए हैं, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं है जहाँ से भी पढ़ रहे होते हैं बच्चे वहाँ पे इनको ये ज़रूरत होती है, लेकिन लगभग जगह ये चीज़ नहीं होती है। आपको डाउट हुआ कोई भी सवाल में, कोई भी जगह दिक्कत होती है, उस समय आप क्या करोगे, टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो या टीचर से डायरेक्टली चैट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन लाए हैं जिसमें आपको 24 घंटे डाउट का समाधान मिलेगा। वो उसके लिए जो हम लोग अतिरिक्त एक्स्ट्रा टीचर्स रखे हैं, जो कि मान लीजिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से कोई दिक्कत होती है, आपको एक प्रीमियम ऑप्शन मिलेगा आस्क डाउट का, उसमें सिर्फ टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे। तो एक बेस्ट ये तरीका है जिसके माध्यम से स्टूडेंट का डाउट जो रहता है ना वो सॉल्व हो सकती है। तो ये जो है इस प्लेटफॉर्म को खास करके अलग बनाती है, इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल चूज कर सकते हैं। आगे चलिए हम आपको कुछ और भी सारे बातें को बताते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड के सामने आके अच्छे तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए आपको बताएंगे। हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स रहेंगे और आपको एक बेस्ट तैयारी देने वाले हैं। ये जो बैच है ना, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम में अलग टीचर्स होंगे, इंग्लिश मीडियम में अलग टीचर्स होंगे, ठीक है। और ये आपको कोर्स कहाँ मिलेगी, एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाली है। 1 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रही है। जो स्टूडेंट बाद में देख रहे होंगे 1 मार्च के बाद में, ऑब्वियसली आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना लाइव क्लासेस आपका छूट चुका है ना उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और आगे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलते चलेगी, तो आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक खास चीज़ है जो कि हम आपको अभी बताते हैं आगे, तो इसके लिए बस वेट करिए। अभी जो है यहाँ पे सरप्राइज में सरप्राइज आपको आने वाली है, बहुत सारा चीज़ आपको अभी जो है कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, तो बस आप देखते चलिए, आपके लिए बहुत ही खास चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो बस अभी देखिए, ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, इस दोनों नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग, बोर्ड एग्जाम 23 के बारे में अच्छे से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं सारा चीज़। और या फिर आप कॉल नहीं या व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से अपना ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद बात आती है क्या चीज़ की, उसके बाद बात आती है हमारे पास क्लास में क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। क्लास के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन क्लास में क्या क्या चीज़ मिलेगी आखिर, किस तरीके से पढ़ाई होगा, इसके बारे में बात करते हैं ना अब।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, हर एक स्टूडेंट के मन में यही डाउट होती है कि किस तरीके से पढ़ाई होगा भैया, ये चीज हमें बताइए। तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे होगी लाइव क्लासेस, मतलब आपको एक टाइम टेबल दी जाएगी और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रेगुलर लाइव क्लासेस होगी। लाइव में आपको कोई भी डाउट होगी आप वहाँ पे पूछेंगे, टीचर वहाँ पे तुरंत रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आप कमेंट किए, टीचर वहाँ पे पढ़े और आराम से उस वीडियो में ही लाइव क्लास में ही अच्छे से आपको समझाती है एक एक पॉइंट, एक एक चीज अच्छे से। तो ये लाइव क्लासेस हो गई। उसके बाद बात आती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। देखिए मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आप कहीं एब्सेंट रह गए कोई भी कारण से, आपका मोबाइल में भी काम नहीं कर रहा है या फिर कोई भी रीजन हो सकती है, आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाए, तो उस समय आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगी। मतलब हर एक क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाती है, आप उसको कभी भी कितने बार भी देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फीचर हो गई कि मतलब आपका क्लास छूटेगा नहीं। ऑफलाइन क्लास में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आप अगर एक दो दिन क्लास मिस कर दिए तो वो क्लासेस आपका दोबारा नहीं होगा, या तो आपको फ्रेंड का हेल्प लेना होगा या फिर आपको खुद से वो चीज़ करना होगा, टीचर्स आपको दोबारा नहीं बताएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में यही चीज़ है कि आपको टीचर्स भी दोबारा पढ़ा रहे होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। इवन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एक डाउट का हम फीचर दिए हैं जहाँ से अपना डाउट पूछ सकते हैं हमेशा, जब भी आपका मन हुआ, जब भी डाउट हुआ वहाँ पे आप फोटो खींच के भेजिए या फिर डायरेक्टली जो है मतलब आप टाइप कर दिए, टीचर आपको अच्छे से रिप्लाई कर दिए, सब कुछ आपको समझा दिए। ये हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ से क्या मिलेगी, वहाँ पे मिलने वाली है एजुकेशन ऐप पे आपको पीडीएफ नोट्स, मतलब हर एक क्लासेस का जो आपको पढ़ाई होगा उसका आपको नोट्स मिल जाएगा, ताकि आपको जब दोबारा रिवीजन करना हो तो उस समय आपको दोबारा ये जो है ना मतलब पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े, बस आप नोट्स देख लो और उससे आपका काम चल जाएगा। तो मतलब लाइव क्लास के साथ में नोट्स भी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सेपरेट टीचर्स होंगे हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हो या फिर अकाउंट बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्या होगी, हर एक सब्जेक्ट में सेपरेट टीचर्स होंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षक होंगे और वो भी बिहार के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होंगे, ताकि आपको जो आपका जो है पढ़ाई जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई संभव हो सके, ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सको। देखो हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं, स्टेट टॉपर भी रहे हैं, तो इस बार हम लोग चाहते हैं अब जो 23 का जो रिजल्ट आए जब जिस समय, उस समय हम लोग के यहाँ से ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा स्टेट टॉपर में स्टूडेंट रहे। जितना ज़्यादा संख्या में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहते हैं उतना हम चाहते हैं इस बार स्टेट टॉपर में भी अच्छा खासा स्टूडेंट आए। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, अब जो है यहाँ पे और भी क्या चीज़ आती है, चलिए अब बात करते हैं। अब हमारे पास आती है टेस्ट सीरीज। इस कोर्स के साथ आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स का, मतलब हर एक चैप्टर का यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्या चीज़ का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। टेस्ट सीरीज जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे और आप अपना एग्जाम की तैयारी उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उसके बाद क्या है, आस्क डाउट इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है आपको कोई भी सवाल में डाउट होती है तो बस आपको क्या करना है, आस्क डाउट सेक्शन के माध्यम से आप डाउट का समाधान पा सकते हैं। तो ये सारा चीज हुआ आस्क डाउट का, यहाँ पे इंस्टेंट आपको तुरंत जो है यहाँ पे जवाब मिल जाएगी। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर अकाउंट बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट होती है, सिंपल आप आस्क डाउट के माध्यम से आराम से आप डाउट पूछ सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा टीचर के माध्यम से। ये एक फीचर ऐसा है कि जो हर एक प्लेटफॉर्म को अलग करती है एजुकेशन बाबा ऐप को। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, अगला हमारे पास फीचर है डेली क्यूज टेस्ट। इसके माध्यम से क्या होती है, इसके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो एग्जाम की तैयारी है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो टेस्ट जो है ना, ये क्यूज टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इसी कोर्स के साथ आपको मिल जाएगी। उसके बाद जैसे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, जैसे अगर कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होती है तो उसमें पहले क्या क्या होती है, पहले तो हम लोग एक कोई भी एक चैप्टर है तो उसको पहले अच्छे से लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ाए, उसके बाद उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सारा चीज़ करवाया जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, मतलब उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक एक करके सॉल्व करवाया जाएगा, बताया जाएगा, आप आराम से उसके माध्यम से अच्छे से आपको यहाँ पे ये पूरा जो है क्लासेस में ही आपको याद हो जाएगी, मतलब आपको अलग से रटना या ये ऐसा नहीं पड़ेगा, सब आपको क्लास में ही अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये हो गई। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जब भी
यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, बेसिकली कोर्स का लास्ट डेट है वो क्या है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा और उसके बाद जो है रिवीजन वगैरह चलेगा। 1 नवंबर से यहाँ पे क्या होगा, 1 नवंबर से यहाँ पे क्या चलेगी, 1 नवंबर से हम लोग करवाएंगे क्या चीज़, रिवीजन, ठीक है। 1 नवंबर से रिवीजन चलेगी और रिवीजन में आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले 10 साल में पूछा गया है उस सारे क्वेश्चंस को एक एक करके वीडियो में लाइव क्लासेस में आपको सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद गेस्ट क्वेश्चंस आपको इसमें दिया जाएगा जिसके में क्या होगा, जो कि कोर्स खत्म होने के बाद आपको हमारे तरफ से गेस्ट प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, जिससे सभी साल हर साल जो होता है कम से कम 70 से 90% प्रश्न डायरेक्ट मिलता है, 70 से 90% डायरेक्ट मिलता है। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़े होंगे पिछले साल यानी 22 के सेशन में, अगर जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनसे आप पता कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हम लोग दिए थे गेस में से उसमें से कितना क्वेश्चंस मिला है। और बाकी 23 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, सबसे पहले तो जो पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ लेंगे, वही काफ़ी है। और लास्ट में तो ये गेस क्वेश्चन रामबाण है, मतलब जो नहीं भी पढ़े रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो मतलब पास अच्छा खासा कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग के पास फीचर है क्या चीज, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, मतलब जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी की जाती है उसका सॉल्यूशन लाइव में करवाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे तरफ से भी यहाँ पे क्या होगा, मॉडल पेपर जो दिया जाता है उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। तो इस कोर्स में ये सारा चीज भी है। और जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है 31 अक्टूबर तक, उसके बाद क्या होगा, कोर्स का रिवीजन चलेगा। एक बार कोर्स की पूरा पढ़ाई समाप्त होने के बाद क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस दोबारा जो है रिवाइज करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस आपको याद हो रहेगी, आप आसानी के साथ एग्जाम में जाएंगे, कोई भी प्रश्न देखेंगे आसानी से आप तुरंत कर सकते हैं। तो ये एक फीचर हो गई। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे हमारे पास अब रिजल्ट आती है। देखिए रिजल्ट तो हमारे यहाँ से रहा ही है और इसीलिए हम बोले हैं कि हमारे यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइंस का रिजल्ट हम आपको बताते हैं, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स, ऐसे करके हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 21 का हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 22 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब ये लेक्चर जो है हम शूट कर रहे हैं तब तक अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है। जो स्टूडेंट ये जो है रिजल्ट आने के बाद इसको देख रहे होंगे वो लोग देख सकते हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट जो है हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल जो है अभी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आई है, तो अभी यहाँ पे 21 का रिजल्ट देखिए और फिर 22 का रिजल्ट आएगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे। ऑब्वियसली आगे जो है रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है 22 में। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे वैशाली के टॉपर्स हैं, बांका के हैं, गया के हैं, सीतामढ़ी से हैं और शेखपुरा के, यहाँ पे ये सब टॉपर्स हैं, इनका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, इनका यहाँ पे रोल कोड दिया गया है। तो ये सारा चीज़ें आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हैं, ये सारे हमारे यहाँ से पढ़े हैं अच्छा और यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाए हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप भी अगला जो बोर्ड एग्जाम 23 का रिजल्ट आए उसमें आप भी यहाँ पे हो और आपके बारे में भी हम आपको मतलब और भी अगले सेशन के स्टूडेंट को बता रहे होंगे। तो बस आपको मेहनत करनी है, जितना भी यहाँ से दिया जाएगा अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं बिल्कुल आप इस स्थान पे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है आर्ट्स के, आर्ट्स के टॉपर्स के बारे में। हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ये हो गए, बांका से हो गए, कैमूर से हो गए, मुजफ्फरपुर से हो गए, फिर यहाँ पे भागलपुर से हो गए। तो ये सारे हमारे यहाँ पे आर्ट्स के टॉपर्स हैं। तो हर सब्जेक्ट में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में जब अलग अलग टीचर्स होंगे तो ऐसा ही रिजल्ट कुछ देखने को मिलेगा। और अभी 22 का तो रिजल्ट मतलब सबसे बवाल रिजल्ट वो तो अभी बाकी ही है, अभी तो बस उसमें देखिए ना क्या क्या होता है, तो वो तो अभी आने ही वाली है। अभी यहाँ पे देखिए उसके बाद बात आती है यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। कॉमर्स में हम लोग यहाँ से मतलब सेकेंड बिहार टॉपर्स भी रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे उनका यहाँ नेम जो है राहुल कुमार है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद यहाँ पे मार्क्स जो आया है तो मतलब पूरे इंडिया में पूरे बिहार में मतलब बिहार बोर्ड में दूसरा स्थान, मतलब एक थे पहला स्थान पे और यहाँ पे ये जो है दूसरा स्थान पे थे, तो बिहार बोर्ड में दूसरा टॉपर यहाँ से रहे हैं पूरा बिहार में। तो यहाँ पे ये सब रिजल्ट रही है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की। बिल्कुल आप भी यहाँ पे हो सकते हैं और आप भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और आपके बारे में भी मे बी हम आगे बता रहे होंगे। बस आपको क्या करनी है, क्लास ज्वाइन करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई में लग जाना है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अब आगे अगर हम बताएं तो देखिए इसमें आपको क्या होने वाली है। देखिए ये जो एजुकेशन वाला ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और इसमें आपको क्या होने वाले, बेस्ट ऐप आपको यहाँ पे ये है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे जो है बिहार का एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है एजुकेशन,
बाबा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सबसे एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 7 लाख बच्चे का भरोसा है इस ऐप पे, इस यूट्यूब चैनल पे। तो ऑलमोस्ट 7 लाख बच्चे ऑलमोस्ट हम लोग से पढ़ चुके हैं, तो मतलब अब तो आप लोगों को भरोसा होना चाहिए और आराम से आप जाइए पढ़ाई करिए, कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगी। कहीं से कोई दिक्कत होती है उसके लिए तो हम है ही, आज ही जाइए और एजुकेशन बाबा ऐप से आप ज्वाइन करिए अपना क्लासेस को। अब देखिए हमारे तरफ से आपके लिए अभी ऑफर है, कब तक के लिए हमारे तरफ से ये एक ऑफर है आप लोग को दिया जा रहा है, गेट 15% जो है एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर ऑफ, मतलब आपको जितने भी एजुकेशन बाबा ऐप पे कोर्स है उसमें आपको 15% का डिस्काउंट डायरेक्टली मिलने वाली है, मतलब जो कि एक बेस्ट डिस्काउंट है अभी तक का। इतना हम बड़ा डिस्काउंट अभी तक नहीं दिए हैं, 15%। ऑब्वियसली कोर्स का फी इतना ज़्यादा कम है कि उस पर एक भी ऑफर नहीं दिया जा सकता है, फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे new15 तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली कॉल करेंगे तो आपको जो वहाँ से डिटेल्स बताया जाएगा उस फी में आप 15% कम जो है फी डायरेक्टली पेमेंट आप कर सकते हैं और आपको कोर्स जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। ये जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं 1 मार्च से पहले तब आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है, और 1 मार्च के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल फी जो है बढ़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि फी बढ़ेगा ऑब्वियसली 1 मार्च के बाद, 1 मार्च से सारा बैच स्टार्ट हो रहा है तो 1 मार्च के बाद फी बढ़ेगी। इसलिए आप लोग से सजेशन यही है कि आप अगर ज्वाइन करने वाले हैं, आप अगर ज्वाइन करेंगे ही तो आप अभी कर लीजिए, ताकि क्या हो आपको एक तो सबसे बड़ी बात डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद जो फी भी बढ़ने वाली है उससे भी आप बच जाएंगे और आपको शुरुआत से क्लास मिल जाएगा। सबसे पहले बात मतलब जो क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले सारा जानकारी वगैरह देंगे, तो आपको शुरू से सब कुछ जानकारी हो और आप उसको अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स ला सके। तो यहाँ पे सब कुछ जब शुरुआत से रहेगा तो आप अच्छा बेस्ट कर पाओगे, तो इसलिए आप शुरू से ही अभी आप ज्वाइन करिए और आराम से अपने एग्जाम में अच्छा करिए। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आगे क्या चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एजुकेशन बाबा ऐप का, या फिर प्ले स्टोर पे जाइए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। कोई भी कहीं से दिक्कत होती है ऐप में या फिर कहीं से ज्वाइन करने में, कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको सारा जानकारी अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा और सारा चीज़ समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ जो हम लोग दे रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो आप लोग बिल्कुल जाइए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और अपना पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। रिजल्ट तो आना ही है, बस अच्छे से पढ़ाई करना है। और यहाँ पे एक चीज़ तो गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स आपको टाइमली कंप्लीट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कोई भी यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद कोई भी आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इतना सारा चीज़ हम आपको बताए हैं, कहीं से कोई डाउट है आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, या फिर डायरेक्टली जो है आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिए, या फिर डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक लिए बाय।